या इस दुनिया का आदि क्या, कर्म कब से शुरू हुआ, ये पूछ रहे। इसको कहते हैं अति प्रश्न। अब उससे पहले बहुत सारा समझने वाली बातें, उसको समझो अभी, वो नहीं पूछो। ये पूछने का यही कहते हैं कि जैसे तुमने अभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं पास किया, अब पीएचडी की कोई बात करने लगे। अब प्राइमरी स्कूल पहले से तो जानो, यह क्या है, मैं कौन हूं, यह क्या है, दुनिया क्या है, यह विज्ञान है, मैं कौन हूं, यह ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से तुम तृप्त होने लगोगे कि फिर पांच रहस्य जो दुनिया का है वो समझ में आएगा। पांच रहस्य क्या है? जन्म का रहस्य, तुम कब क्यों पैदा हुए हो, ये सब तुम्हारे जन्म का ज्ञान मिलेगा। फिर मृत्यु का ज्ञान मिलेगा, इस मृत्यु के बाद तुम्हारी गति क्या होगी, कब मरने वाले हो, क्या होने वाला, कितने बार तुम मर चुके हो, इस तरह से ये मृत्यु का रहस्य खुलेगा। कर्म का रहस्य खुलेगा, कर्म क्या है, कितने तरह के कर्म है, कर्म का कोई आदि भी है, कोई अंत भी होगा, ये कर्म की रहस्य खुलेगा। दैव रहस्य खुलेगा, किस दैवी नियामक रूप से पूरा प्रपंच दुनिया चल रही है, इसको कहते हैं दैव रहस्य। और ब्रह्म रहस्य, पूर्णता क्या है, पूर्णता के बारे में। और ये पांच तरह के रहस्य तुम्हें अपने आप समझ में आने, तब तक इसका भेदन नहीं कर पाए। ऐसे जैसे जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी तरह से जानते हो, तब तक तुम्हें वो रेडियो ट्रांसिस्टर के अंदर जो सर्किट है ये क्या है नहीं समझ में आएगा। उसके अंदर डायग्राम है ना, ऐसे ऐसे कोई रंगोली जैसे बना के डायग्राम, गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जब खोलेगा ट्रांसिस्टर लगेगा, अरे तो बड़ा अच्छा रंगोली है इसके अंदर, उसको थोड़ा सा हेर फेर करो तो फिर रेडियो काम नहीं करेगा। कहीं डमरू जैसे एक डब्बे रखी है, कहीं कुछ रखा है, कहीं छोटा सा एक सिलेंडर जैसा है, वो लगेगा तो बच्चों का खेल है, मगर उसी से कितनी सा दुनिया भर की रेडियो स्टेशन उसमें आ जाती है। आती है कि नहीं, छोटी सी रेडियो में, रेडियो खोल के देखा कभी? मगर उसके बारे में जानना हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह से तो साधना परक जीवन हो, तब जाके पांच रहस्य जो है वो उसका उद्बोधन होगा।